नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी ऐसी इच्छा है कि आने वाले समयों में आपके जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन वैभव सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, वो हर वो चीज मिले जिसकी आपने इच्छा की होगी। और इच्छा करेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। इच्छा करिए और उसको लिखिए, लिखने के बाद उस पर अमल कीजिए, निसंदेह एक दिन जरूर वो हासिल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मित्रों, दिवाली है तो दिवाली के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 14 नवंबर है आज की डेट में। 14 नवंबर को दिवाली भी है और बाल दिवस भी है। बाल दिवस मतलब कि चिल्ड्रेंस डे। तो मैं कुछ ऐसे 10 स्टॉक्स लेकर के आया हूँ जिसे होल्ड करके, जिसे खरीदारी करके बच्चों के नाम यदि हम छोड़ देते हैं तो बच्चे जिस वक्त हमारी आपकी उम्र की अवस्था में आएंगे निसंदेह करोड़पति बनेंगे। आपका छोटा सा निवेश, आज का थोड़ा सा निवेश, आने वाले भविष्य में यह कितना बड़ा बन सकता है उसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता। तो यह सभी कंपनियां हाई पोटेंशियल वाली कंपनियां हैं, इनके बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। अभी छोटी कंपनियां हैं और बहुत बड़ी होंगी आने वाले समयों में। तो चलते हैं ऐसे ही 10 कंपनियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो मेरे रडार पर है, इन कंपनियों को मैं बार बार चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, यदि आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं तो मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ। तो जो पहली कंपनी है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक नाम से ही लग रहा है, बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। बी वैद्यनाथन इसके हेड हैं। इसमें बहुत तेज़ी से एग्रेसिव है, इस बिजनेस को बढ़ाने को लेकर के डे बाय डे इसकी ब्रांचेज बढ़ रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, इसका कासा बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा बैंक बनेगा आने वाले समय में, बहुत तेज़ी से उभर रहा है ये बैंक। तो अभी ये शुरुआती चरण में है। मार्केट कैपिटल मात्र 19,144 करोड़ का है, अर्थात 20,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का। और भाव है 33 रुपया 70 पैसा। इस दिवाली चिल्ड्रंस डे के मौके पर इससे बढ़िया स्टॉक्स कोई नहीं होगा। जो 10 स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ मित्रों, मेरी निगाह में सब अच्छी कंपनियां हैं। आप लोग खरीदारी करने से पहले अपना विश्लेषण अवश्य करिएगा या आपका जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उससे उसकी सलाह जरूर लीजिएगा। तो पहली कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। दूसरी कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी, जैसे कि नाम है IT सेक्टर की कंपनी है। अभी हाल ही में ये कंपनियां कई तरह से मर्ज डिमर्ज वगैरह होकर के पैदा हुई है। 104 रुपये के भाव पर है, 2878 मार्केट कैपिटल है, अर्थात स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। बहुत ही बड़ी कंपनी बनेगी आने वाले समयों में, IT सर्विस देती है। तीसरी कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक नाम से ही क्लियर है, बिजली वगैरह के प्रोडक्ट बनाती है, घर पे जो पंखे बिजली के जो प्रोडक्ट आते हैं वो बनाती है। CP बिरला ग्रुप की है, बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है। अभी ये भी सब ओरिएंट पेपर और कई तरह से मर्जिंग डिमर्जिंग हुआ था जिससे पैदा हुई थी कंपनी। भाव है 214 रुपया, मार्केट कैपिटल है 4568 रुपया। ओरिएंट का ब्रांड मित्रों 4568 करोड़ के मार्केट कैपिटल पे बहुत छोटा है, बहुत बड़ी कंपनी ये बनेगी ओरिएंट इलेक्ट्रिक। पिछले कई सालों से मैं लगातार इसका नाम लेता आ रहा हूँ, पिछले साल भर से। चौथी कंपनी है, अगेन एक और बेहतरीन कंपनी है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। 157 भाव है, मार्केट कैपिटल है 13,659 करोड़, यानी 14,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज, इस कंपनी को जानने से पहले इसके ब्रांड को जानना बहुत जरूरी है। इसके पेंटलून वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, लुइस फिलिप जैसे कई मल्टीपल ब्रांड हैं इसके। बहुत बेहतरीन ब्रांडेड कपड़ों में बहुत बड़ी ब्रांड है ये, और बहुत तेजी से उभरता हुआ ये एक फ्रेंचाइजी
बिजनेस है ये, पेंटालून भी इसके साथ ब्रांड है। और सबसे बड़ी चीज इसके साथ है मैनेजमेंट, कुमार मंगलम बिरला का बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैनेजमेंट शानदार है तो बिजनेस भी शानदार तो होगा ही होगा, बिजनेस बहुत शानदार है। अभी बहुत छोटे पर उपलब्ध है, 157 पर, मार्केट कैपिटल मात्र 13,600 करोड़ के आसपास है। अगला बात करते हैं, फिर इसी ग्रुप की एक और कंपनी है यानी कुमार मंगलम बिरला की, आदित्य बिरला कैपिटल, 80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 80 रुपया 80 पैसा, मार्केट कैपिटल है 19,475 करोड़। बड़ी कंपनी बनेगी ये, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के बिजनेस हैं फाइनेंशियल, एक की बिल्कुल फाइनेंशियल ग्रुप है। यदि आप बात करें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, होम लोन, पर्सनल लोन, सब के सब इसके साथ है। इस ग्रुप में कुल 13-14 बिजनेस है, 13-14 तरह की बिजनेस है, और सभी जो बिजनेस है अपने आप में बड़े बड़े बिजनेस है। इंश्योरेंस बिजनेस को देख लीजिए, HDFC लाइफ का देखिए, मार्केट कैपिटल 1,00,000 करोड़ के आसपास है। वही हाल आपके SBI लाइफ का है, HDFC प्रूडेंशियल का भी है, तो ये भी बड़ा होगा। AMC सेक्टर में आप चले जाइए तो HDFC AMC को देख लीजिए, निपोन को देख लीजिए, तो इसका भी आदित्य बिरला जो फैशन, आदित्य बिरला का सॉरी म्यूचुअल फंड है, वो भी बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, तो ये भी होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है, इसको खरीदना चाहिए। यदि ये शेयर नीचे जाए, 80 रुपये पर चल रहा है, मैं गारंटी नहीं देता कि यहाँ से कंपनियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, हो सकता हो नीचे भी जाए, तो जब नीचे जाए तो ऐड करने की जरूरत है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। छठा जो है इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट B2B सेगमेंट में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कंपनी है, अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था, 1.5-2 साल पहले लिस्ट हुआ था, 4,962 यानी लगभग 5,000 रुपये का एक शेयर आ रहा है, मार्केट कैपिटल है 14,505 करोड़ की, मिड सेगमेंट की कंपनी है, B2B सेगमेंट में है, यानी जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनको कोई मशीन चाहिए, जैसे कोई समोसा बनाने वाली मशीन है, कोई आइसक्रीम बनाने वाली मशीन है, तो जब भी आप इन मशीनों को सर्च करिए गूगल पर, तो जो आपको वेबसाइट लेके जाता है वो इंडिया मार्ट पे लेके जाता है, क्योंकि इंडिया मार्ट पे उन मशीनों को बनाने वाले लोग रजिस्टर्ड हैं जो अपनी मशीनें बेचा करते हैं। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेगमेंट में इसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो जब कंपटीटर नहीं तो जाहिर सी बात है कि बहुत आगे बढ़ेगा, तो जाहिर बहुत आगे बढ़ेगी कंपनी, तो इसको भी होल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए पोर्टफोलियो में इंडिया मार्ट को। अगला है MCX, सातवीं कंपनी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। भारत में एक्सचेंज का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है स्टॉक मार्केट के प्रति, लोगों का रुख स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे इन एक्सचेंज की भी कमाई बढ़ रही है, तो जब कमाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि शेयर भी भागेगा। तो MCX है, 1682 रुपये का भाव है, मार्केट कैपिटल है 8,588 करोड़ की, यानी 10,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है MCX। आठवीं कंपनी है अमृतांजन हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर की कंपनी है अमृतांजन, इसके कई प्रोडक्ट अभी धीरे धीरे करके लॉन्च हो रहे हैं, सैनिटरी पैड हैं, और भी दवाएं भी आती हैं इनकी, 477 भाव है, और मार्केट कैपिटल 1,393, बहुत छोटी कंपनी है, अभी मुश्किल से 1,393 यानी 1,200-1,500 करोड़ से भी नीचे है, तो बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर बड़ा होने की। और नवी कंपनी है ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया, ऑटो पार्ट बनाती है, बहुत बड़ा ये भी सेगमेंट है, सब लोग जानते हैं, 104 रुपये भाव है, मार्केट कैपिटल है 1,495 यानी 1,500 करोड़, ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी की बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है आने वाले समय में। और दसवां कंपनी है बोरोसिल, बोरोसिल
टिफिन, किचन कुकवेयर, ओवन, कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। और अभी यह कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। आप कहीं किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में जाइए, लोगों के टिफिन के ब्रांड को सर्च करिए, तो आप पाएंगे कि 10 में से 4, 5 क्या बल्कि 6, 7 जो ब्रांड मिलेंगे बोरोसिल के मिलेंगे। बोरोसिल मिल्टन सेलो बहुत बेहतरीन ब्रांड है। तो बोरोसिल बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। अभी छोटी कंपनी है, मात्र 153 रुपया भाव है, मार्केट कैपिटल 1714 करोड़, 2000 करोड़ से नीचे करोड़ की कंपनी है ये। ये दसों कंपनियां मित्रों बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं और हमेशा के लिए पोर्टफोलियो में होल्ड करने लायक है। आप इसको यदि यहां से खरीदते हैं और इसको हमेशा के लिए होल्ड करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई शेयर हमेशा के लिए होल्ड करना चाहिए, जब तक किसी बिजनेस में कोई दिक्कत परेशानी ना हो तब तक होल्ड करना चाहिए। तो ये बिजनेस बहुत बड़े बिजनेस बनेंगे आने वाले समयों में, और जब बिजनेस बनेंगे तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। आप यहां से इन कंपनियों को 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद भविष्य देखिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या होता है। स्टॉक मार्केट जो वेल्थ क्रिएशन का है ना, वो लॉन्ग टर्म नजरिया होता है। आप रख करके भूल जाइए, और जब आप नजर खोलेंगे कुछ साल बाद तो वो मल्टीपल रिटर्न दे रहा होगा। तो ये सभी कंपनियां मल्टीपल रिटर्न दे रही होंगी। यदि आपका बच्चा छोटा है, मतलब चलता है कि 2 साल 3 साल 4 साल का है, यदि उन बच्चे के नाम पर इन शेयर्स को रख लेते हैं, उसकी पढ़ाई, शादी, जितने सारे खर्चे होंगे, आपके सारे खर्चे इन स्टॉक से निकल सकते हैं। ये पूरी पूरी संभावना है इसमें से, सब पूरी संभावना है सब। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।